Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. Multiple choice question 7. Select the correct answer from the given option. If 100% is equal to 120, then 120% is equal to 84. Option B, 20% is equal to 84. 70% is equal to 84. D, 30% is equal to 84. Multiple choice question number 7. अगर 100% 120 रुपए के बराबर हो तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. ऑप्शन सी ठीक है. ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है. किस तरह राइट ऑप्शन है कि अगर 100% 120 रुपए के बराबर हो तो 1% जो होगा 120 ओवर 100 के बराबर होगा, यानी कि 1.2 रुपये के बराबर होगा. और यूनिटरी मेथड लगाकर हमने इसको हल किया हुआ है. पहले एक की कीमत निकाली, अब इनमें से देख लेंगे. अगर हम 70% से इसे मल्टीप्लाई करें तो 84 आता है, बाकी किसी से मल्टीप्लाई करने से 84 नहीं आता. तो ये वाला जो ये सारा हिस्सा है, ये वाला, ये सिर्फ समझने के लिए है. आपका आंसर यहां तक ही है. सी इज द राइट ऑप्शन. ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस समझने के लिए है. ये समझ लो. और ये वाला ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जो कि इस तरह से आया हुआ है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 7. क्वेश्चन नंबर 2. इफ 75% ऑफ पीपल्स इन क्लास ऑफ 40 पास्ड इन अ साइंस टेस्ट, हाउ मैनी ऑफ देम फेल्ड. अगर 75% पीपल की 75% जो स्टूडेंट हैं, शागिर्द हैं, वो 75% पास हैं साइंस के टेस्ट में, जबकि 40 स्टूडेंट की वो क्लास है, तो कितने उसमें से फेल हैं. तो 40 का 75% हमने निकाल लेना है, तो हमारा जवाब निकल आएगा. 40 का 75% कैसे निकालते हैं हम, पता है आपको कि नहीं पता. 10, 40 का 7% 10 होता है. 10 राइट ऑप्शन है. कैसे निकालना है, 75 से मल्टीप्लाई कर दें 40 को, 75% से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास फौरन ही जवाब आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. द यूजुअल सेल ऑफ कॉन्फेक्शनरी chocos is 80 chocolates in a day. If the store has 8800 chocolate in stock, then complete the stock of chocolates. Will finish in 2.5 days. Option B, 7.5 days. Option C, 5.5 days. Or option C, 10 days. तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, 10 days. तो किस तरह हमने फाइंड किया है कि 10 days में वो कंप्लीट हो जाएगा. 80 को 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 800 चॉकलेट आ जाना चाहिए. तो वो सी ऑप्शन है. सी इज द राइट ऑप्शन. ये पहले हमने किए हुए सवाल हैं, उनमें से ही इसने दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी ही करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड क्रिकेट बैट इज ₹2000. अ क्रिकेट बैट विद ऑटोग्राफ ऑफ अ फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर सेल फॉर 2,40,000. द न्यू प्राइस इज 12 टाइम
Option A 12 times of price of original bat, 100 times the price of original bats, 120 times the price of original bats, 120% of price of original bats. तो C right option है, बाकी तो right नहीं हो सकते क्योंकि 12 times जो होगा वो तो 24,000 होगा, वो भी राइट ऑप्शन नहीं होगा. 100 टाइम जो होगा वो भी राइट ऑप्शन नहीं होगा, और 120 टाइम जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा. वो इसलिए ये आपको समझाने के लिए, ये वाला सिर्फ आपको समझाने के लिए कि 120 से अगर इसको ज़रब दी जाए तो 240,000 रुपये आता है. इसलिए ये सी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है, तो आप सी पे टिक करें. अगर ये सवाल आपको आ जाए तो आप सी को टिक करके इस तरह लिखते हैं, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 120 टाइम्स. क्वेश्चन 5, पिज्जा पैलेस सोल्ड पिज्जा एंड रुपीज 24,000 वर्थ ऑफ पिज्जा इन 2 days. द कॉस्ट ऑफ दोज पिज्जा वॉज 20,000. द प्रॉफिट परसेंट वॉज ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी नन ऑफ देम. तो इसमें आप ये देखेंगे प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है. प्रॉफिट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेल प्राइस इसकी जिस पे ये सोल्ड हुआ है, और कॉस्ट प्राइस इसकी, कॉस्ट प्राइस 20,000 है, 24,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू, और प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 20% आएगा. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन 20% है, जो ऑप्शन बी 20% है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हुआ. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 6. इन अबाउ प्रॉब्लम सीपी रेशो एसपी इज 24,000 रेशो 20,000 रेशो 5, नन ऑफ दीज, 5:6, कौन सा ऑप्शन सही है. अबव क्वेश्चन का मतलब जो पांचवा क्वेश्चन था, पांचवें क्वेश्चन में जो रकमें दी हुई थी 24,000 और 20,000, उसमें कास्ट प्राइस और सेल प्राइस की रेशियो क्या थी, तो क्या थी रेशियो. इसको सिंपलीफाई किया जाए तो 6:5 आती है. तो कौन से ऑप्शन पर लिखी हुई है 6:5, बी ऑप्शन पर लिखी हुई है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 7, ये टेबल दी हुई है, तो टेबल में वो कह रहा है कि ऑप्शन 1 क्या टेबल बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन 25/100, ऑप्शन सी फाइनल वैल्यू इज 35, ऑप्शन डी फाइनल वैल्यू इज. तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है. अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें 60 × 75/100 तो 45 आ जाएगा. तो यही फाइनल वैल्यू 45 है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है. तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 8, डेविड पेज बैक हिज लोन of 100 borrowed at 10% per annum simple interest. He will pay back 1100 at the end of how many years? तो आपको ये याद है फॉर्मूला, SI is equal to PIN का तरीका. इंटरेस्ट कैसे निकला है, S इंटरेस्ट निकला है 1100 में से 1000 माइनस कर दिया है तो 100 रुपये आ जाएगा, वो SI इज इक्वल टू 100 आ गया. और पिन का क्या मतलब,
प्रिंसिपल अमाउंट जो उसकी 1000 रुपया थी वो है बीस इमारात, और 10% इंटरेस्ट परसेंटेज 10% आ गई। जब इसको सिंपलीफाई किया गया तो सीधे अजरा का लेन को तो 1 आ जाएगा, तो 1 का मतलब 1 ईयर, तो 1 ईयर में उसका आ जाएगा 1 ईयर। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, 1 ईयर कहाँ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में 1 ईयर लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो ये वाले बाकी जो है, ये वाला चीज ये समझने के लिए थी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका जवाब इतना ही है। ऑप्शन सी इज 1 ईयर, ऑप्शन सी 1 ईयर इज राइट ऑप्शन। यहाँ पर टिक मार्क कर लें या कोई दायरा लगा लेना। दैट इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन 9, ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन ए इज ट्रू आंसर। ऑप्शन ए क्या है, ट्रू आंसर ऑप्शन ए है। क्यों ट्रू है, कि जो बैंकों में लोन दिया जाता है या तो वो 1 साल से ऊपर के लिए दिया जाता है या 1 साल तक के लिए दिया जाता है। लोन कैन बी गिवन फॉर लेस देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। 1 साल से कम अरसे के लिए दिया जाता है या 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए दिया जाता है, वो ट्रू आंसर है।